Hey guys, welcome to a new vlog. एक नए vlog में का स्वागत है. आज का vlog सच में बहुत ज़्यादा special है. क्यों? क्योंकि मेरा getup देखो. Okay, fine. नहीं समझ पाओगे. मैं जनों को पता है कि वो जिसका नाम नहीं लेना चाहिए उसे क्या कहते हैं. कितने जनों को पता है कि platform 934 क्या है? अगर आपको ये पता है तो आप शायद guess कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं. पितृदेव संरक्षणम. फाइनली टिकट्स मिल गए. अब हम लोग जा रहे हैं अंदर. एक्साइटेड? लाइक बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग बस में सो गए थे. ये वाली मैं जानता हूँ. फाइनली दोस्तों हम यहाँ आ गए. ये तो आपको सच में पता होगा, हैरी पॉटर का कमरा. कितना सही से बना रखा है यार. यहाँ भी क्या क्या दिख रहा है जिस जिसको आइडिया है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं. ये शायद ये फिलोसोफर स्टोन है, मुझे सब पता है यार. ये फिलोसोफर स्टोन है और ये आग ग्लास है, वो गोल्डन स्टैच पीछे. यार कमाल का सेट बनाया हुआ है, मतलब हर एक चीज़ पे इतना डिटेलिंग से काम किया गया है. मतलब बढ़िया यार, एक नंबर. बहुत खूबसूरत बना रखा है इन लोगों ने और हर एक चीज़ बिल्कुल मैजिकल. और ये बहुत बड़ा यार, अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा, बस कुछ ना कुछ आता जा रहा है. अभी हम लोग ब्रूम ट्राई करेंगे, आई होप अगर टाइम मिलता है तो.
खुला कोई चक्कर नहीं, खुलेगा नहीं यहाँ से यार। मतलब यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है ना, वैसे हम लोग 1900 में पहुँच गए या तो 1800 में। ये लिखा हुआ है हैरी पॉटर द प्रिजनर्स ऑफ अज़्काबान 2004। एकदम पिशाच यहीं आए थे। गॉब्लेट ऑफ फायर 2005। अरे वाह, ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स 2007। ये वाला हमने रिसेंटली ही देखा, मतलब पार्ट कल ही रात देख रहे थे हम लोग। हाफ ब्लड प्रिंस 2009। इन लोगों को पुराना पुराना सामान भी वहाँ पे रखा हुआ है, मतलब जो मूवी में यूज हुआ है ना, जो प्रॉप्स यूज हुए हैं वो सब उसमें मेंढक था पीछे वाले का। और ये हाफ ब्लड प्रिंस 2009 आर प्लस एल, इसके बारे में पता है दोस्तों? दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गरुड़ के पास, जिसका नाम है बग बीक, और हमारे पीछे ही है, आपको दिखाते हैं। हॉगवर्ट्स की नहीं है, पर ये है बटर बियर। ये देखने में छाछ लग रहा है, पर है सही।